Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। एक मुंडा आज सानू माँ बाप कह रहे हैं, वो सब भी असी सिर्फ तेरे करके कर रहे हैं, सिर्फ तेरे करके। पर ये सब देख के भी जे तेनू लग रहे हैं कि असी तेरे खिलाफ जा रहे हैं, तू अपनी जिंदगी की सब तो वड्डी गलती कर रहे हैं। जे तू अजे भी शक कर रहे ना बच्चे, ते ना मतलब तू अपने माँ बाप नू कदी समझे ही नहीं। फिक्रम, असी तेरे चंगे माड़े हर काम च तेरा साथ दिता, जे तेनू अजे भी साढ़े ते शक है ना, ते राज मैनू लगता सानू इहो जिहा पुत चाहीदा ही नहीं। ते मैनू ये भी लगता है कि इहनू भी साड़ी कोई लोड़ नहीं। भाभी शांत हो जाओ, तुसी विक्रम नू समझो, वो इस टाइम बहुत तकलीफ च है। ऐसी तकलीफ च नहीं है, असी की कुछ नहीं किता इनू बचाउण लई। मेरे हस्बैंड दी पहली वाइफ दा बच्चा मेरे सामने मेरे घर च घूम रहा, कि मैनू तकलीफ नहीं हो रही? मेरे हस्बैंड ने मैनू धोखा दिता, मैनू उस कबीर नू पुत पुत कह के बुलाना पै रहा है। थानू की लगता कि मेरा दिल नहीं दुखता होएगा? I'm sorry mom, पर ना मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब कबीर तुहानू मां मां कहता ना, पता नहीं मैं की फील करता मां। ते तू एक क्यों नहीं समझता बच्चे कि मेरा पुत सिर्फ तू है, मेरी जिंदगी च किसे नु हक नहीं है कि जो मेरी औलाद दी जगह ले सकता है। थे ओ कबीर सिर्फ एक मोर है, असी ओदा इस्तेमाल कर रहे ताकि असी तेनु इस केस चो आजाद करा सके। असी ओदा यूज किता कि तू छिल तो बाहर आ सके। जदों तक ये सब खत्म नहीं होता ना, सानू ये ड्रामा करना पैना है। असी असी ये सब उदे लिए नहीं किता है, असी कबीर लिए नहीं किता पुत, असी ये सब सिर्फ तेरे लिए किता है बच्चे, सिर्फ तेरे लिए कर रहे हैं। I'm sorry mom, you're the best, मैं तुम्हें समझ नहीं सकया। But I promise, मैं तुहाडी गल सारियां सुनांगा। I love you mom. I love you too पुत्र। कबीर तू इत्थे? अच्छा मैं ना तेरे ना एक बहुत जरूरी गल करनी है। मेरी गल तो सुन ले, मैं तेरे ना गल करनी है। मैं तेरे नाल कोई गल नहीं करनी सहज, ते ना ही मेरा मूड है। नाले तू इस रूम च की कर रही है? कल तो इत्थे नहीं सी। ओ मम्मी जी कल इत्थे सी, ता करके मैं कल्याणी दीदी रूम च सो गई सी। बस कर सहज, तू मॉम दे नाम ते एक्सक्यूज ना दे। कोई एक्सक्यूज नहीं दे रही कबीर, मम्मी जी ने कहा कि तू चाहता है कि मम्मी जी इत्थे रुकन, ता करके बस मैं। क्यों झूठ बोल रही है सहज, मॉम इदा क्यों कहेंगे? बड़ी मुश्किल नाल समझा बुझा के अपने पुत नू सवाया मैं, हुन तू एक काम कर, तू ना इत्थों जा ते जाके कल्याणी दे रूम च सौ जा। हुन क्यों ना मैं थोड़े टाइम लई कबीर दे नाल ओदे रूम च शिफ्ट हो जा। तेनू की लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, तू क्यों झूठ बोलेगी, झूठा तो मैं हाँ। सहज मैं तेनू कहता रह गया कि मैं सौरव जी को फोन नहीं किया, पर तू तू मेरी एक नहीं सुनी। मैं झूठ बोलता ना सहज, झूठ मैं नहीं बोलिया, झूठी थी तू। मैं
तू मेरे मॉम का नाम लेके कह रहेगी उन्होंने तेनू इतने रहने मना किया तो तू कल्याणी दी रूम जाके इस करके सो रही है। वाह सहज वाह सही है मैनू लग रहा पता हूं ना तेरा मेरे नाल इस घर च रहने का दिल ही खत्म हो रहा क्योंकि वैसे भी हूं तेरा मिशन जो पूरा हो गया है ना। मिशन केड़े मिशन की गल कर रहे तू? वही मिशन जिदे करके तू मेरे नाल विआह करवाया सी। यही मिशन सी ना तेरा कि बेचारे कबीर नूं दी फैमिली मिल जाएगी ते हुण जदों मैनू मेरी फैमिली ऑलमोस्ट मिल रही है तब तेरा मन मेरे तो भरदा जा रहा तू मेरे तो पिछा छड़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है प्यार तो तू मैनू वैसे भी नहीं कर रही सी। सहज तू एक काम कर तू ना अज भी किसी होर कमरे जाके सो जा तेनू इत्थे रुकण दी लोड़ नहीं है। वैसे भी एक झूठे रिश्ते का बोझ बना के चलना चंगी गल नहीं है। जाए कबीर उच्ची आवाज गल ना कर सहज ये तेरा ऑफिस नहीं है ते ना ही तू मेरी बॉस। उच्ची आवाज गल मैनू भी करनी आती है इदा कर तेरा काम है ना सौखा कर देना तू सो इतने मैं किसी होर रूम जाके सो जाना। नहीं तू रुक जाए तू चाहना है ना कि मैं इस रूम च तेरे ना रवा। कल जो मम्मी जी ने मैं एक गल कही सी ना कि तू चाहना है तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस नाल कहा सी कि कबीर इदा कह ही नहीं सकता पर अज तू मेरे मुंह ते एक गल कह रहे। नहीं मैं चली जानी इतों तू इसे रूम च रुक मिस्टर कबीर मल्होत्रा। गुड नाइट। मिस्टर सौरव ने पहला क्यों नहीं दसिया कि उन्होंने किसी फीमेल की कॉल आई सी? शायद ये गल उन्होंने ग्रेसी सूरी करके ना दसी हुई क्योंकि उन्होंने ये लग रहा हुआ कि वो फीमेल जिन्हें कॉल की थी वो ग्रेसी सूरी। इदा मतलब वो कॉल कबीर जी ने नहीं किया सी? हाँ पर हुन मैंने डाउट है कि वो फीमेल कौन है। किस ते डाउट हुआ मैडम तुम्हें? जो शट अप सहज मेरे हस्बैंड ते घटिया इल्जाम लगाने बंद कर। नाले विक्रम पूरी रात कल इत्थे मेरे कॉल ही सी। की होया मैम कौन है वो? मैंने जिदे तक डाउट है ना मैंने इन्ना पता है कि उन्हें बस एक गलती की है कोई क्राइम नहीं। ये किवें हो सकता मैम उस लोकेशन की इनफॉरमेशन देने का सीधा सीधा मतलब यह है कि एविडेंस गैप करने के हाथ है। जिदे तक मैंने डाउट है ना वो मेरे बहुत क्लोज है मैं उन्होंने बहुत प्यार करती हूँ। पर मैम वो है कौन? मेरी भैन तो मेरी दरानी महर मल्होत्रा। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।